गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स एंड होल्स। अब पार्ट्स एंड होल्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर रीड करते हैं, उसके बाद अपन आगे करेंगे। देखो, आवर फ्लैग, अपना नेशनल फ्लैग देखा होगा आप सबने, उसकी एपिक भी बनी हुई है। अब देखिए, यू हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, डू यू नाउ हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। आपने फ्लैग देखा होगा, अब वो फ्लैग कैसे बनता है, किस बनता है उसके बारे में, फ्लैग में कलर कितने होते हैं वो पता है आपको, थ्री कलर होते हैं, और तीनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी 1/3। तो देखिए, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। जैसे आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, उसकी लंबाई कितनी रखनी है, 9 सेंटीमीटर, एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई रखनी है 6 सेंटीमीटर। डिवाइड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कम्प्लीट द फ्लैग। और इसको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना और फ्लैग बन जाएगा। अब देखिए, फ्लैग का कलर, द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज ऑरेंज, यानी फर्स्ट सबसे ऊपर क्या होता है, 1/3, तो तीन पार्ट के थे तो फर्स्ट पार्ट सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। अब देखिए, 1/3 जो मिडिल का भाग है उस पर कौन सा कलर होगा, वाइट। इसमें आगे क्या लिख लो आप, वाइट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, वर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र, फिर आप उसके अंदर क्या करोगे, वाइट जो कलर है उसके अंदर क्या बना लोगे, अशोक चक्र। फिर नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कवर ग्रीन, यानी उसमें ग्रीन कितना है कलर, तो उसमें होगा 1/3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इज द वाइट कलर नाउ लेस देन वन ऑफ थर्ड ऑफ द फ्लैग, वाई, यानी जो वाइट कलर है वो 1/3 क्यों है। अब क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको, टोटल फ्लैग के कितने कलर है, 3, यानी अपने फ्लैग को अपने तीन पार्ट में बांटा है, तो 1/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ एट दिस, अब ये फ्लैग देखना है आपको, दिखाई दे रहा है द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान का फ्लैग दिखाई दे रहा है। उसमें देखिए ब्लैक है, उसके बाद ग्रीन है, और तीसरा कलर रेड है, ये तीन कलर है। अब देखिए, अब इसमें देखिए ब्लैक कितना है, यानी इसमें भी 1/3 ब्लैक है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी राइट एज, जैसे ग्रीन पार्ट है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, यानी जो रेड कलर है वो 1/3 से कम है क्या, या नहीं है, है तो क्यों है। अब देखिए, रेड क्योंकि 1/3 से कम है, उसके अंदर देखिए थोड़ा वाइट बना हुआ है, एक लोगो बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ द म्यांमार, यानी अपना जो आवर नेबर्स, यानी अपना जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसका ये फ्लैग दे रखा है। उसमें कौन सा है? देखो, एक तो ब्लू कलर दे रखा है और रेड। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस देन, यानी जो टोटल फ्लैग है उसका जो ब्लू कलर है वो 1/4 से नहीं, 4 पार्ट से कम है, ज़्यादा, लेस का मतलब कम होता है और मोर का मतलब ज़्यादा, तो लेस से कम है, तो इसका आंसर होगा लेस देन। अब आप और उसके बाद बहुत और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, फाइंड आउट, कलेक्ट सम मैनी फ्लैग्स एज यू कैन, आपने बहुत सारे फ्लैग देखे होंगे, जैसे अपने स्कूल में हाउस फ्लैग होते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स का फ्लैग होता है, बहुत सारे फ्लैग होते हैं, तो उसी टाइप से आप बहुत सारे फ्लैग देख सकते हो। हाउ मैनी फ्लैग्स हैव यू 3 कलर्स, यानी कितने फ्लैग देखे होंगे आपने जिसमें 3 कलर होते हैं। आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स, क्या जितने भी आपने देखे हैं फ्लैग उसमें सारे इक्वल है क्या पार्ट्स जो कलर के। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन द स्कूल इन केरला, अब ये जो कलर एक दिखाई दे रहा है आपको फ्लैग 1, 2, 3, 4, 5 कलर का, ये जो मैथ्स क्लब है स्कूल है केरला में उसका है। व्हाट पार्ट
ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड, व्हाट पार्ट इज ग्रीन। यानी इसमें पहले आपको टोटल पार्ट काउंट करने, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट है। तो उसमें से टोटल 5 में से ग्रीन कितना है, 1 पार्ट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये ग्रीन हो गया, तो लिखेंगे 1/5 ग्रीन। और रेड पूछा है तो रेड कितना है, 2 पार्ट, देखिए 1 और 1 2, एंड 2/5 क्या हो गया इसका, रेड पार्ट। अब आगे देखते हैं, सी दिस ब्लैक लोगो ड्रॉ इट। अब ये लोगो इसके अंदर बना हुआ है, इसको आप अपनी पसंद का बना सकते हो। अब नीचे देखिए एक ब्लैंक दे रखा है, इन देयर ए मैथ क्लब इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में मैथ क्लब है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना, देखो, इफ नॉट आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप, डिजाइन ए फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर। अब अपनी पसंद का आप, जैसे ये है, ये जो नीचे ब्लैंक दे रखा है, इसके अंदर कोई फ्लैग बना सकते हैं, कितनी, 3 लाइन का 4 लाइन का, और उसके अंदर क्या, जैसे मैंने 3 लाइन का बना दिया, और इसके अंदर ये लोगो बना दोगे यहाँ अंदर, ओके। अब देखिए, हैव यू यूज द रेड कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड योर कलर रेड। अब आपने जैसे 3 पार्ट बनाए, तो मैंने क्या किया, अलग अलग क्या किया, अलग अलग कलर यूज़ दे सकते हैं इसमें। जैसे मैंने क्या किया, इस पार्ट में ये वाला कलर ले लिया, इस पार्ट में ये कलर ले लिया, और इस पार्ट में ये कलर ले लिया, तीनों अलग अलग कलर ले रही है। तो अब बचा है कि फर्स्ट वाला, जैसे आपने रेड लिया, तो फर्स्ट वाला में टोटल 3 पार्ट किया, तो 1/3 क्या हो जाएगा, रेड। फिर उसके बाद दूसरा कलर आपने चूज किया ब्लैक, तो ब्लैक भी 1/3 है, और तीसरा अपने कलर चूज किया है ग्रीन, वो भी 1/3 है। इस टाइप से हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे आइए, अब देखिए मैजिक टॉप। अब आपको क्या करना है, जैसे एक हार्ड कार्डबोर्ड ले लिया, कार्ड शीट ले लिया, उसको क्या करना है, सर्कल में काट लेना है। जैसे इसने बना रखा, देखो क्या करना है, सर्कल में इसको काट लेना है। काटने के बाद आप क्या करोगे, उसके सेंटर पॉइंट पे एक पिन लोगे और उसके अंदर ड्रॉ कर दोगे। अब देखिए मैजिक टॉप, लेट अस मैजिक टॉप टेक ए कार्डबोर्ड पीस। आपको क्या लेना है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। अब आपके पास कंपास होगा, कंपास के अंदर पेंसिल डाल के उसको स्केल से माप के 3 सेंटीमीटर का उसके अंदर पर जो कार्डबोर्ड ले रहे उस पर एक सर्कल करना और उतना काट देना है। अब क्या करना, काट लिया, उसके बाद क्या करना है, उसको इक्वल, कितने पार्ट में बांटना है, इक्वल 8 इक्वल पार्ट में बांट देना है। जैसे मैंने आपके सामने, आपको बताता हूँ, जैसे ये देखिए मैंने क्या किया, ये एक बनाया है कार्डबोर्ड से। अब इसको देखो 8 इक्वल पार्ट में काट दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट में काट लिया है। अब काटने के बाद अपने को क्या पूछते हैं, वो देखिए उसका कौन सा पार्ट कैसा करना है, कौन सा पार्ट क्या करना है। अब अपन ने क्या किया, जो सर्कल बनाया था उसका देखो, डिवाइड सर्कल इनटू इक्वल 8 पार्ट्स में उसने उसको कर लिया। अब 8 पार्ट में क्या करने के बाद उसका अब देखिए अपन ने इस सर्कल को इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या क्या करना है। नाउ ईच पार्ट ऑफ 1/8 ऑफ द सर्कल, यानी प्रत्येक जो पार्ट है इसका 1 पार्ट है, यानी 1 का 8 कर रखा है। अब इसने बोला है कि कलर 2/8 रेड,
यानी टोटल पार्ट है उसके दो पार्ट क्या करने हैं अपने को, रेड। तो मैंने ये दोनों पार्ट क्या कर दिए, रेड। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि 1/8 क्या पार्ट करना है, ऑरेंज। यानी टोटल कितने 8 है, इसमें से एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं 1/8 पार्ट येलो, उसका टोटल का एक पार्ट क्या करना है अपने को, ये मैंने येलो कर दिया। अब देखिए चार पार्ट तो अपने, सॉरी दो पार्ट तो किए थे रेड, एक पार्ट किया था ऑरेंज और एक पार्ट किया था येलो, यानी टोटल 8 में से 4 पार्ट हो गए। अब बाकी कितने बचे, चार पार्ट बचे। तो उस चार पार्ट को हमने क्या किया, उसमें से दो पार्ट को क्या कर दिया अपन लोगों ने, अपने मनपसंद का ये दो कर दिया मैंने पर्पल, ठीक है। और 1/8 एक पार्ट कर दिया ब्लू। इस टाइप से एक लास्ट पार्ट बचा, उसको मैंने क्या कर दिया, ग्रीन। इस टाइप से 8 पार्ट पूरे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में क्या है, एक चॉकलेट बार है, चॉकलेट दिखाई दे रही है आपको, उसके कितने पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एंड 6, टोटल पार्ट है 12 पार्ट। अब क्या कर रहे हैं, टोटल 6 पार्ट है, उसमें से मंजू हैड ए चॉकलेट। मंजू क्या करती है, एक चॉकलेट है उसके पास, सी गेव 1/4 ऑफ इट द राजी, यानी 1/4, यानी उसका चौथा पार्ट। टोटल कितने 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करो, क्या करना है, जैसे उन्होंने क्या 1/4 पार्ट किसको दिया है, राजी को। राजी ने अब क्या किया, देखो राजी गेट्स, राजी ने कितना दिया है, टोटल 12 पार्ट है, 12 1/4 कर लिया, यानी चौथा पार्ट दिया उसको। अब इसने क्या किया है, अब देखे 4 की टेबल बोलेंगे 12 में, 4 3 जा 12, 3 टाइम हुआ। अब यहाँ 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया 3, तो राजी को कितने पार्ट्स मिल गए, 3 पीसेस। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं 1/3 ऑफ द सुगंधा एंड 1/6 ऑफ द सीला, यानी उसका 1/3 किसको दे रहे हैं, स्टेप 2 है, 1/3 दे रहे हैं सुगंधा को। तो उसका देखते हैं, सो सुगंधा विल गेट, टोटल 12 पार्ट है, 12 का 1/3 निकाल लो, तो 3 × 12 4 टाइम हुआ, 4 को 12 से किया तो 4 पीसेज आ गया सुगंधा का। अब लास्ट बोल रहे हैं कि सीला को कितना देती है, सी ईट द रिमाइंड पार्ट, सॉरी 1/6 देती है सुगंधा का, हो गया 1/6 आ गया, तो सीला सी गेट द रिमाइंड, जो जितना पार्ट बढ़ता है उसको, देखो 3 तो उसको दे दिया था और 3 पार्ट इस 4 इसको दे दिया। अब देखो नेक्स्ट थर्ड स्टेप, 1/6 टू सीला, यानी टोटल क्या रहा, 1/6, यानी हाफ पार्ट क्या खा रही है, सीला। फिर है सीला विल गेट 12 1/6, यानी उसका आधा खा रही है, तो 2 पीस क्या खा रही है, सीला। और लास्ट में बचा, जो बचता है वो कौन खा रही है, खुद मंजू खा रही है। मंजू एट रिमाइनिंग रिमाइंड रंजीत सुगंधा प्लस सीला, जो तीनों का बच के बाकी क्या बचा, देखो 3 + 4 + 2 9 पार्ट हो गया। अब 9 तो इन तीनों को दे दिया, टोटल पार्ट कितने थे, 12 थे। रिमाइंड पीस इजिक्वल टू 12 - 9 इजिक्वल टू 3 पीस, ये 3 पीस कौन खाएगी, मंजू। थैंक यू।